रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज एक नई इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रहे हैं। ये अगर आप देखें तो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन बहावलपुर की वेबसाइट है, और इसके अंदर अगर आप ये चीज़ नोट करें कि ये ग्रेडिंग सिस्टम जो है, ये एक ग्रेडिंग स्कीम है जो कि सेशन 2018-20 से ऑनवर्ड जो बच्चे हैं उनके जो रिज़ल्ट कार्ड वगैरह जो हैं वो इसके अंदर बन रहे होंगे। वो किस तरह बन रहे होंगे वो हम अब देख लेते हैं आपके सामने। इस वक्त स्क्रीन पे मैं बड़ा ब्रीफली इस चीज़ को ये दिखा देता हूँ कि परसेंटाइल स्कोर जो है, जिनका 90% से ज़्यादा बच्चों का होगा उनको हम A+ जो है वो कहेंगे, और 87 से लेके 90 के दरमियान में वाले A होंगे। इसी तरह 82% एंड अबव, और जिनके 87 से कम और 82 से ज़्यादा तो वो B+ होंगे। ये अगर आप देखें तो स्क्रीन पे इस वक्त आपको दिखाई दे रहा होगा कि जैसे एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे ये जो B है ये ऐसे बच्चों का कि जिनका 82, और इधर से अगर आप देखें तो स्क्रीन पे जो हाईलाइट किया है मैंने कि 77 से जो 82 वाले, तो ये वो बच्चे हैं जिनके रिज़ल्ट कार्ड के ऊपर उनका B ग्रेड जो होगा वो होगा। ठीक हो गया। अब इसमें जो कैलकुलेट करने का तरीका है वो इन्होंने नीचे बताया हुआ है, बड़ा सादा सा है। आप अगर इसको एक नज़र देख लें कि ये परसेंटाइल स्कोर लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि मा इज़ इक्वल टू मार्क्स ऑब्टेन इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट डिवाइडेड बाय द मार्क्स ऑब्टेंड बाय अ कैंडिडेट इन दैट सब्जेक्ट मल्टीप्लाई बाय 100। इसको मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे जो है वो आपके सामने इसको शेयर कर देता हूँ। मिसाल के तौर पे कि एक सब्जेक्ट है, मैं स्क्रीन के ऊपर ही इस चीज़ को जो है वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझने में भी आसानी रहेगी। इसके अंदर अगर आप नोट करें तो फ़र्ज़ कर लें कि आपके एक सब्जेक्ट है उसका नाम है मैथ्स, और आपके मैथ्स में 80 नंबर आए थे आउट ऑफ 100। ठीक है, तो अगर 80 आउट ऑफ 100 नंबर आए तो इसका मतलब है आपके नंबर बने 80%। ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पे जो परसेंटाइल स्कोर करने का तरीक़ेकार है उसमें ये है कि अगर आपके नंबर 80 आउट ऑफ 100 आए थे, जो कि इस वक्त स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, और आपका एक और क्लास फेलो है उसका नाम है मिस्टर ए, ठीक है, उसके नंबर थे 90 आउट ऑफ 100, तो उसके बनेंगे 90% मार्क्स इसके मुताबिक अगर आप देख रहे हैं। अब जब आपका परसेंटाइल स्कोर कैलकुलेट किया जाता है तो उसका तरीका ये है कि अगर फ़र्ज़ कर लें कि आप मिस्टर बी हैं, ठीक है, तो मिस्टर बी का जब स्कोर कैलकुलेट किया जाएगा तो हम आपके मार्क्स चूंकि 80 थे और जिस आपके क्लास वालों के नंबर 90 थे उससे हम नीचे डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, और इसका अगर हम रिज़ल्ट निकालें तो ये तकरीबन 88% आ जाएगा। ठीक हो गया। तो इसका ये मतलब निकला कि आपने 80 मार्क्स लिए थे, लेकिन चूंकि आपके एक और क्लास फेलो उसके 90 थे हाईएस्ट, तो हमने उसको आपके नंबरों को उसके नंबर से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास ये 88% आ गया। अब 88% के हवाले से अगर देखा जाए तो आप फॉल कर रहे हैं ए ग्रेड के अंदर। ठीक है, ये मैंने आपको स्क्रीन पे जो है इस चीज़ को आपके साथ शेयर कर लिया। आप थोड़ी देर के लिए सोचते हैं कि जिस बच्चे के 90 मार्क्स आए थे, ठीक है, और 90 ही हाईएस्ट थे, ठीक है, उसके थे 90 आउट ऑफ 100, तो उसके नंबर बनते थे 90%। लेकिन अगर हम इसका परसेंटाइल स्कोर निकालें तो उसका ये मतलब होगा कि उसके नंबर 90 आए थे डिवाइडेड बाय ऑब्टेंड हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेंड, तो वो उसके अपने ही नंबर सबसे हाईएस्ट थे, यानी 90 ही उस हाईएस्ट थे और उसके भी 90 और मल्टीप्लाई बाय 100। तो अगर आप इसको करें तो इसका यह मतलब लिया जाएगा कि अगर आप देखें तो हम परसेंटाइल स्कोर में कहेंगे कि उसका ग्रेड 100% पे आ रहा है। इसका यह मतलब है कि अगर वो 100% पे आ रहा है तो यहाँ से अगर आप देखें कि 90 से ऊपर अगर कोई भी
ग्रेडिंग आ रही, तो वो ए प्लस वाली ये जो ऊपर आपके सामने हाईलाइट की है, तो ये ए प्लस ग्रेडिंग बन जाएगी, ठीक है उसकी। यहाँ नीचे इन्होंने ये बताया कि द रिज़ल्ट इंटीमेशन कार्ड इज़ बीइंग इशूड विदाउट एनी ओवरराइटिंग, कटिंग, रेजिंग। द रिज़ल्ट विल बी डिस्पैच्ड टू द कैंडिडेट बाय द रजिस्टर्ड मेल एट द गिवन एड्रेस। द बोर्ड विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस, डिले और डैमेज बाय द पोस्टल सर्विस। इसमें ये चीज़ ज़रा नोट कर लिया करें कि आमतौर पर ये होता है बहुत सारे रिजल्ट होते हैं, तो उसमें कई दफ़ा कोई लॉस या डिले या डैमेज हो तो फिर आपको बोर्ड के ऑफिस से जाके अपना डुप्लीकेट निकलवाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने ये सारी चीज़ एक्सप्लेन कर दी है। आप अगर चाहें तो इनकी वेबसाइट है, मैं आपको उस पर हाईलाइट कर देता हूँ कि यहाँ पे जो वेबसाइट है वो आप अगर देखें, ये 22bwp.edu.pk, तो यहाँ से जाके जो है आप अपना वो उसको देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें ये है कि आपकी इस वीडियो के बारे में अगर कोई कमेंट्स हों तो आप अपने कमेंट्स जो हैं वो हमारे साथ नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर करें, ठीक है। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप शेयर करें। और अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, अपना और अपने चैनल का बहुत ख्याल रखिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।